तो मैं कुछ बेसिक स्टेप्स बता देता हूँ जो मेन फंक्शन है जिससे आपका आपके पास जो सिस्टम है तो वो बिल्कुल स्मूथ चल सकता है। तो पहला गुड मॉर्निंग, तो स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। आप ये सुबह के 10 बज रहे हैं और मेरा सारा काम ख़त्म हो गया। मस्त धूप आई है बिल्कुल, अभी तक मैं रेडी नहीं हुआ, मैं जा रहा हूँ नहाने। अब 10 बज रहे हैं, माल आ चुका है मेरा। कौन सा माल आया है, कितने ऑर्डर हैं, कौन कौन से ऑर्डर हैं, कहाँ से ऑर्डर है, सब दिखाऊंगा। फिलहाल मैं रेडी हो जाता हूँ, पाठ कर लेता हूँ। पूजा पाठ ख़त्म होने के बाद फिर मैं ऑर्डर दिखाऊंगा और उसके बाद निकलेंगे फिर ऑफिस के लिए, क्योंकि आज ज़्यादा काम है वहाँ पे। वहाँ काम ख़त्म करके आएंगे, देखते क्या क्या काम है, सब डिस्कस लूँगा। फिर आता अभी रेडी हो जाऊँ जल्दी से। तो फाइनली जाके मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है और मैं हूँ अभी ऑफिस में। अभी 7 बज रहे हैं और सारा काम ख़त्म हो गया मेरा। पिकअप जो था, पिकअप सारा मेरा जा चुका है। लाइट नहीं आ रही थी, इस वजह से मैं एडिटिंग भी कर नहीं पा रहा था। अब 7 बज रहे हैं, अब जाके लाइट आई है तो मैं दोबारा ऑफिस आया हूँ। घर पे था, अभी स्टार्ट हो रहा है सिस्टम। ये मैं टाइम दिखाऊंगा कितना हो रहा है। माल सारा जा चुका है। दूसरी बात है, मैंने आज सुबह से कोई ब्लॉग नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मैं जो ई कार्ड वाले भाई आते हैं, जो ई कार्ड वाले सर्विस आते हैं, उनको सेपरेट पूरा एक स्टोर दे दिया, वहाँ पे अपना बैग बना सकते हैं। क्या स्टोर है वो मैं कल दिखाऊंगा सुबह, आज मैं बस साफ़ सफाई में लगा हुआ था, इस चक्कर में मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया। तो ठीक है, जल्दी से जल्दी एडिटिंग कंप्लीट करते हैं। एडिटिंग कंप्लीट करके फिर मिलता हूँ। फाइनली सारा काम ख़त्म हो चुका है मेरा, वीडियो अपलोड हो चुकी है और अभी 8 बज रहे हैं। काम मेरा ख़त्म हो चुका है, अब मैं निकल रहा हूँ घर के लिए। काफ़ी थक गया मैं आज सुबह से काम करे आ रहा हूँ। लाइट नहीं आ रही थी, फिर भी मैंने वीडियो एडिटिंग करके अपलोड कर दिया। अब चलते हैं घर की तरफ, टाइम दिखा देता हूँ फिर भी एक बार। टाइम देखो 8 बज रहे, पूरे करेक्ट 8 बजे 1 मिनट और वीडियो अपलोड हो चुकी है। घर जाने से पहले मैं ये मेन बात बता दूँ, कल मुझे अपने सिस्टम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि मेरे सिस्टम में पूरा स्टोरेज फुल हो गया था और बिल्कुल हैंग कर रहा था, जिससे मैं एडिटिंग टाइम पे नहीं कर पा रहा, ठीक से नहीं कर पा रहा था। और आज बिल्कुल इतना स्मूथ चल रहा है ना मेरे सिस्टम, ये एक नंबर स्मूथ चल रहा है, प्यार से एडिटिंग हुई है। तो मैं कुछ बेसिक स्टेप्स बता देता हूँ जो मेन फंक्शन है जिससे आपका आपके पास जो सिस्टम है तो वो बिल्कुल स्मूथ चल सकता है। तो पहला स्टेप ये है, तो मैं ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहाँ पर डिटेल में समझाता हूँ। 3-4 ट्रिक बताऊंगा, उनको आप फॉलो कर लो, आपका भी सिस्टम बिल्कुल स्मूथ चलने लगा। तो पहला स्टेप है डिसेबल स्टार्टअप प्रोग्राम्स। तो हमारे जो सिस्टम में है ना, जब सिस्टम ऑन होता है तो काफ़ी फंक्शंस, काफ़ी सॉफ्टवेयर जो है ना विदाउट ऑन हुए अपने बैकग्राउंड में रन होने लगा। अब किस तरीके से मैं पहले सिस्टम की ओर ले चलता हूँ, अपने सिस्टम की स्क्रीन में, और फिर दिखाता हूँ। और वहाँ से आप जो आपको सॉफ्टवेयर मेन है जो फंक्शन करते हैं उनको आप फंक्शन करने इनेबल रखना, बाकी सबको डिसेबल कर देना। अब कैसे करना है डिसेबल वो मैं स्क्रीन पे ले चलता हूँ और वहाँ समझाता हूँ। कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट, तो ये टास्क मैनेजर, ये ऐसे कुछ ओपन होगा, तो इसमें टास्क मैनेजर पे जाके, तो ये हो गया, ये ओपन हो गया। यहाँ से हमें जाना है स्टार्टअप पे। स्टार्टअप पे आप जाके देख सकते हो क्या क्या रन हो रहा है, एडोब माइक्रोसॉफ्ट ड्राइवर, आप इनमें से कुछ भी जो आपको, जैसे वंडर्स स्टूडियो में किसी को भी इनेबल डिसेबल कर सकता हूँ, डिसेबल कर दूंगा तो यहाँ से ये डिसेबल हो जाएगा, ये रन नहीं हो पाएगा। बाकी जो अभी प्रोसेस में है, अभी प्रोसेस में मेरे ये सब फंक्शन सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, विंडोज से चल रहा है OBS, पर इनमें से देखो इसमें से मैनेज कर सकते हैं कौन कितना MB ले रहा है, कितना कैप्चर कर रहा है पूरा सिस्टम, तो यहाँ से हम डिसेबल इनेबल कर सकते हैं। इससे कुछ सॉफ्टवेयर जो विदाउट हमारे परमिशन के रन करते हैं उनको हम डिसेबल करके अपने सिस्टम को बिल्कुल स्मूथली रन कर सकते हैं। जो मैंने करा है वो 100% वर्क कर रहा है, अभी स्मूथ चल रहा है बिल्कुल, ये देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। और नेक्स्ट स्टेप है, सो नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स ये है कि आपके सिस्टम में काफ़ी बार देखा होगा कि फालतू में कोई ऐप्स नोटिफिकेशन सेंड करता रहता है, क्योंकि हमारी जो डिटेल होती है काफ़ी ऐप्स के पास रहती है, तो उस नोटिफिकेशन को बंद करने से हमारा जो सिस्टम है थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो जाता है, स्मूथली काम करने लगता है। और वो नोटिफिकेशन कैसे बंद करना है, इसके 2 ट्रिक है। मैं सबसे इजी वाला ट्रिक बता दूँ किस तरीके से हम डायरेक्ट जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सर्च बार दिख रहा होगा, यहाँ पर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं नोटिफिकेशन सर्च करते ही ये आगे नोटिफिकेशन एंड एक्शन सेटिंग, इस पर हम क्लिक करेंगे डायरेक्ट और ये अपना ओपन हो गया नोटिफिकेशन एक्शन। अब यहाँ पे
थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा गेट नोटिफिकेशन फ्रॉम ऐप एंड अदर सेंडर, तो इसको हम डायरेक्टली हम क्लोज कर सकते हैं, ऑफ कर दिया बस। ये बाकी जो है आप ये भी बंद कर सकते हैं, गेट द ट्रिप ट्रिक सजेशन फॉर योर विंडोज़, इनको, और आपका सिस्टम बिल्कुल इम्प्रूव हो जाए, स्मूथली वर्क करने लगेगा। नाउ द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, काफ़ी बार हमारे सिस्टम में ऐसा होता है, काफ़ी फाइल्स जो होती है जो अनवांटेड होती है बट वो फिर भी हमारे सिस्टम में अपनी स्पेस जगह बना के रहती है और हमें उनका पता भी नहीं होता, और वो धीरे धीरे करके क्या करती है, पूरे हमारे स्टोरेज को फुल करती है, जो मेरे साथ अभी फिलहाल में ही हुआ है। मेरे सिस्टम में कोई भी दिक्कत नहीं थी, स्टोरेज धीरे धीरे जो अनवांटेड फाइल्स होती है उन्होंने बिल्कुल स्पेस कवर कर लिया और पूरा फुल स्टोरेज फुल कर दिया, जिससे मुझे पूरा फॉर्मेट करना पड़ा और जिससे मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ। तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ, लास्ट थर्ड ट्रिक और लास्ट ट्रिक ये है, बाकी मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो ले चलता हूँ अपने सिस्टम के स्क्रीन पर हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर टाइप कर सकते हैं स्टोरेज, वैसे तो काफ़ी YouTube पे वीडियो मिल जाएगी सेटिंग में जाके कहाँ कहाँ जाके, बट मैं डायरेक्ट शॉर्टकट वे में बताता हूँ। डायरेक्ट हम यहाँ पे टाइप करेंगे स्टोरेज, इस अब यहाँ पे आके स्टोरेज एंड सेटिंग, इस पर डायरेक्ट राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ ऐसा पोर्टल दिखेगा, सबके सिस्टम में अलग अलग शो करेगा। इतना स्टोरेज मेरा अभी कैप्चर है, तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये स्टेप देखा, विंडो कैन ऑटोमेटिकली फ्री अप द स्पेस बाय गेटिंग राइट ऑफ द फाइल यू डू नॉट नीड, इसको हम अगर ऑफ है तो ऑन कर लेंगे और आपका जो सिस्टम ऑटोमेटिकली जो फाइल्स होती है, जो अनवांटेड फाइल्स होते हैं उनको डिलीट कर देगा। तो इसी के साथ आपका सिस्टम 25% तो इम्प्रूव हो जाएगा, स्मूथली रन करने लगेगा इसी के साथ। बाकी स्टेप्स कब किसी और दिन में बताऊंगा, फिलहाल इसी के साथ इस ब्लॉग को भी मैं एंड करता हूं। आई होप आप इसको ब्लॉग में अच्छा लगा हो और आपको भी ये स्टेप्स जो है फॉलो करके अगर आपको भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना। तो इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।